हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आज एक स्टॉक मार्केट में 40% भागा। 40% क्यों भागा ये हम जानने वाले हैं। क्या अब हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्या उनकी किस्मत बदलने वाली है या नहीं, क्या ये बस आज की ही तेज़ी थी या इसके बाद इतनी बड़ी तेज़ी आएगी या नहीं, ये पॉइंट हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये कौन सा स्टॉक है। अगर आप लोगों को नहीं पता चला ये इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल का लिंक दिया है, जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, विजिट करिए, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए दोस्तों इंट्राडे के टिप्स वाले वीडियो आते हैं और वीकेंड पर भी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो आते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग स्किल को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक चेहरा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम इस चेहरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका नाम है सुभाष चंद्रा, आप इनकी डिटेल गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। ये है दोस्तों जी इंटरटेनमेंट के मालिक, बोल सकते हो सीईओ, फाउंडर, जो भी आपको बोलना है। इन्होंने जी इंटरटेनमेंट को क्या किया था, चालू किया था, लेकिन अब इनकी कोई भी पद नियुक्ति नहीं है जी इंटरटेनमेंट में, ठीक है। अब इनके बच्चे की है, मतलब जो इनका चाइल्ड है, ठीक है, उसकी पद नियुक्ति है उस कंपनी में। तो उनके ही ऊपर दोस्तों क्या आते देखने को मिल रही है, न्यूज़ आते देखने को मिल रही है, ठीक है। तो चलिए वो न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो द फ्री पेपर की न्यूज़ के साइट के ऊपर लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर अपडेशन देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्टॉक में तेज़ी आई है वो है जी इंटरटेनमेंट, जिसे हम झील के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जी इंटरटेनमेंट लार्जेस्ट इन्वेस्टर, ठीक है, रिमूवल ऑफ MD पुनीत गुनिका कॉल फॉर EGM टुडे। मतलब दोस्तों जो पुनीत गुनिका है, ठीक है, यही उनके चाइल्ड है जो अभी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल निभा रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है और आपने बड़ा स्टेक खरीद के रखा है, आपके जैसे 10 बड़े इन्वेस्टर उसमें, तो आप क्या कर रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं कौन से, छोटे रिटेल इन्वेस्टर से पुकार लगा रहे हैं कि चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें काफ़ी लॉस हो रहा है, हमने बड़ा बड़ा स्टेक खरीद के रखा है, आपने भी स्टेक खरीद के रखा है, आपको भी लॉस हो रहा है, ठीक है, तो क्यों ना हम वहाँ पर क्या करें, आज जो MD है, ठीक है, और इनके साथ दो और MD है, ठीक है, इनके साथ मतलब दो और डायरेक्टर है, वो इनसे छोटे पद पे, मतलब टोटल मिला के 3 डायरेक्टर, इनको क्या करें, इनको इन पद से हटाया जाए, नया मैनेजमेंट लाया जाए, जिससे हो सकता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधरते देखने को मिले। तो ये एक प्रकार से क्या है दोस्तों, शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है, और इसके कारण सब इकट्ठा भी हो सकते हैं, छोटे बड़े शेयर होल्डर, तो उसमें क्या होगा, कॉल भी किया गया, मतलब यहाँ पर आवाज़ लगाई गई है किसके रिलेटेड, EGM। अब क्या आप तो बोलोगे कि AGM होता है, AGM ये एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ये खाली साल में एक बार होती है दोस्तों, खाली साल में एक बार होती है, ठीक है। अब मान लीजिए AGM अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर के बीच में इस साल AGM हुई है 2021 में, ठीक है, तो यही AGM कब होगी दोस्तों, 2022 में, ठीक है। तो ये दो AGM के बीच में जितनी भी बीच में AGM होगी, हम उसको AGM नाम दे देते हैं समझाने के रूप में, उसको हम कहेंगे EGM, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज, ठीक है, जनरल मीटिंग, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या जनरल मीटिंग होती देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ भी बड़ा फैसला लेना होगा तो इस निर्णय लेगा, मतलब शेयर होल्डर ही निर्णय लेंगे, ठीक है। तो इनको सीधा सीधा मतलब ये है कि इनको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों, ये EGM बुलाई जा रही है। अब खैर इसका प्रोसेस जो है वो मार्केट में चालू अभी नहीं हुआ है, तो चलिए डिटेल में भी न्यूज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले ये चेहरा देख सकते हो, ये पुनीत गोयनका जी का है, ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, पुनीत गोयनका, सन ऑफ ईल बोल सकते हो आप, ठीक है, EEL ईल ग्रुप, फाउंडर एंड चेयरमैन सुभाष चंद्रा, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिस जिल, ठीक है। ये भी एक दोस्तों इनकी सब्सिडियरी कंपनी आप बोल सकते हो। इन्होंने इसके साथ भी बहुत बड़ा खेल खेल गए। खेल क्या खेल गए, अब जिल के प्रमोटर्स थे ये, ठीक है, जिल के प्रमोटर्स थे। प्रमोटर्स ने क्या किया, बड़ा अच्छा खासा स्टेक होल्ड करके रखा था और वो स्टेक को मार्केट में उसके भी आप पे क्या पैसा उठा लिया, मार्केट से पैसा उठा लिया, ठीक है, किसमें, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस कंपनी से पैसा उठाया गया इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, अब वो फिर बाद में चुका नहीं पाए तो क्या हुआ कि जो जिनसे पैसा लिया था उन्होंने वो शेयर गिरवी रखे होते तो उनको प्रॉपर रख ही लिए। तो आप देखा होगा आपने कि जी एंटरटेनमेंट में जो प्रमोटर्स है उनका स्टेक मात्र 4% तक का ही बचा हुआ है, ठीक है। तो इसी के कारण ही दोस्तों क्या किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है कि इनकी जो मतलब कंडीशन है उनको पूरी हटाया जाए मार्केट से और नए पदाधिकारी लाए जाए जो कंपनी को अच्छी तरीके से लीड करेंगे और फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारेंगे, यही हमें देखने को मिलेगा। चलिए नीचे डिटेल्स में न्यूज़ को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल शेयर होल्डर मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड बाय मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो इंडिविजुअल आप बोल सकते हो इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्वेस्ट का डेवलपिंग, ठीक है, मार्केट फंड एंड OFS ग्लोबल चाइना फंड, ये दो दोस्तों लार्जेस्ट है, ठीक है, मेजर इन्वेस्टर है हम बोल सकते हैं, दो बड़े जिनका काफ़ी बड़ा स्टेक है जी इंटरटेनमेंट में, ठीक है, जिसे हम जील के बोलते हैं। और यही दोस्तों आवाज़ उठा रहे हैं कि इनको रिमूव किया जाए, पुनीत गोयलका को जो डायरेक्टर है अभी जी इंटरटेनमेंट के, ठीक है, इनको हटाया जाएगा तो मार्केट की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की सिचुएशन सुधर जाएगी। और आगे देखते हैं क्या है न्यूज़। अब दोस्तों इन दोनों ही इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो ये कितना स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी में, जैसे आप देख सकते हो इन्वेस्ट का डेवलपिंग मार्केट फंड, ठीक है, और OFI ग्लोबल चाइना फंड, ठीक है, ये लगभग 17.88% का स्टेक क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, ये दोनों मिला के। और इनके नीचे भी छोटे छोटे इन्वेस्टर होंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर मतलब कंपनी का मालिक ही होता है ना। अब मीटिंग होगी जो जी इंटरटेनमेंट के क्या शेयर होल्डर है या कोई भी होते हैं, एनुअल मीटिंग होती है या दूसरी कोई सी मीटिंग होती है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज वाली, ठीक है, अगर मान लीजिए ये मीटिंग होती है तो आपके पास मेल जाता है, मीटिंग से लगभग 10 दिन पहले मेल जाता है, ठीक है, लिंक प्रोवाइड की जाती है कि ये लिंक पे क्लिक करके आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो, आपका जो भी वोटिंग है वोटिंग का क्राइटेरिया वो आप फुलफिल कर सकते हो, ठीक है, शेयर होल्डर के लिए सब जाता है क्योंकि शेयर में हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब कंपनी में हमने हिस्सा लेके रखा है, ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब ये एक प्रकार से मालिक ही हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओनर, ठीक है, यो OWN उसका मतलब ओनर ही होता है, ठीक है। तो वो दोस्तों यही मतलब एक पुकार लगाई जा रही है और ये मामला देखा जाना दोस्तों तो 2019 से चलता आ रहा है, ठीक है, 2019 को ही क्या किया गया था दोस्तों इस कंपनी के मालिक ने, मतलब जो सुभाष चंद्रा जी हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, सुभाष चंद्रा जी जो काफ़ी बड़े प्रमोटर्स थे जील के, उन्होंने दोस्तों जो उनकी दूसरी कंपनी थी जो मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाई उनके लिए क्या किया था, इन्होंने अपना जो स्टेक था जो वो गिरवी रख दिया था, ठीक है, उसके बदले पैसा उठाया था लेकिन वो पैसा वापस नहीं दे पाए तो जो जिनके तरफ मतलब जिनके पास भी ये स्टेक गिरवी रखा गया था उन्होंने वो स्टेक हथिया लिया, मतलब सीधी तौर पे अगर बोला जाए तो। और यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं जी इंटरटेनमेंट की, ठीक है, तो देखिए लगभग अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप है 17,947 करोड़ का, अच्छा खासा है। पी अर्निंग रेशियो देख सकते हो, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, ये तो मतलब एक नॉर्मल सी बेसिक चीज़ हो गई, ठीक है। नीचे हमें कंडीशन पता चलेगी, कंपनी तो देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री दिख रही है, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखिए 4% तक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया प्रमोटर्स होल्डिंग इन डिक्रीज लास्ट 3 साल में लगभग देखिए 40% तक कम हुई है, ठीक है। उसके साथ अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छा खासा आता है, कंपनी अच्छी खासी सेल्स करती है यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट का कंडीशन है वो थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर हम सालाना तौर पर कंपेयर करें तो सालाना तौर पर भी कंपनी का वैसे तो परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो हर साल बढ़ती आ रही है, ठीक है। और प्रॉफिट की केजर अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे हम शेयर होल्डर पैटर्न की अगर बात करते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न आप देख सकते हो, FII भी बहुत अच्छा स्टेक यहाँ पर इसे होल्ड करते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखा के लाया हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टेक है FII का भी, ठीक है। प्रमोटर्स का तो बहुत कम स्टेक है और DII भी अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं, मतलब देखा जाए दोस्तों तो जो जी इंटरटेनमेंट थी मार्केट में एक जानी पहचानी कंपनी थी लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी अंदर चल रही थी, अब उसको मतलब हटाने का क्या किया गया है, मांग
किया गया है। अगर वो डायरेक्टर बदलते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली कंपनी की जो कंडीशन है वो हमें सुधरते देखने को मिलेगी, और इसी के होप से आज स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी इंटरटेनमेंट, पता तो होगा ही आप लोगों को कि मीडिया सेक्टर से बिलोंग करता है स्टॉक, ठीक है, लगभग 40% की तेज़ी, एकदम बहुत ही खतरनाक, ये अनएक्सपेक्टेड तेज़ी, मतलब खुशी हम बोल सकते हैं समाई नहीं गई है। लगभग आप देखेंगे तो 261.70 रुपये पर स्टॉक क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। लगभग अगर वॉल्यूम की कंडीशन देखें तो 21.86 करोड़ क्वांटिटी का वॉल्यूम देखने को मिला है, साथ में 52 बिक का हाई 52 बिक का लो देख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के डिलीवरी पैटर्न की तो लगभग 29.11% का देखने को मिल रहा है। क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो 6,36,000 क्वांटिटी देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कंपनी इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। डिविडेंड का पे आउट होता रहता है कंपनी के अंदर, और वही शेयर होल्डर पैटर्न आपने देखा, शेयर होल्डर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो शेयर होल्डर पैटर्न अभी भी गिरवी रखा हुआ है, आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही दोस्तों कंडीशन थी जो इनको लेके डूब गई है। अब हम बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं, यही शब्द अपना सकते हैं, इनकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि मतलब खुद की कंपनी से खुद के मालिक की अगर छुट्टी होगी तो डेफिनेटली मतलब यही चीज़ इनको ले डूबी, मतलब ये सोच रहे थे कि हमारा एक बिज़नेस चल रहा है, इसके बियाद पे हम दूसरा बिज़नेस खड़ा कर देना, तो वो चला और इसको भी पूरी तरीके से क्या कर दिया, बिगाड़ दिया गया है। तो हम यही दोस्तों बोल सकते हैं कि अब उनकी छुट्टी हो रही है मार्केट से, कंपनी से। अगर मैं बात करता हूँ जी इंटरटेनमेंट के शेयर के परफॉर्मेंस की तो देखिए चार्ट तो ऐसे देखने को मिल रहा है एकदम सपाट, हो सकता है कल भी तेज़ी देखने को मिले, ठीक है। लास्ट 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो आज की तेज़ी देखने को मिल रही है, 1 महीने में आज की तेज़ी, 6 महीने में भी मतलब आज की तेज़ी इंक्लूडेड है अगर देखा जाए तो, लास्ट 1 साल में अगर देखें तो वो भी 40% तो आज ही भागा स्टॉक, ठीक है। 5 साल में ये देखिए हकीकत तो यहाँ पर है 5 साल में, ठीक है, लगभग 50% स्टॉक गिरा हुआ है, मतलब कंडीशन दोस्तों इसकी 2016 से ही बिगड़ना, मतलब यहाँ पर अगर देखें ना तो 2018 से कंडीशन बिगड़ना चालू हुई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि 2019 से इन्होंने ये पूरा काम चालू हुआ था। जैसे जैसे न्यूज़ बाहर निकलते आती है, देखिए काम तो पहले हो जाता है लेकिन न्यूज़ तो मार्केट में बाद में आती है, ये कंडीशन बहुत बेकार है एकदम अगर मैं बात करता हूँ मार्केट की, ठीक है। मार्केट में कंपनी के अंदर कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा यस बैंक ना प्रोविज़न कितना बढ़ गया था लेकिन उसने छोटा सा शो किया, किसी की नहीं, सब इंजॉय कर रहे थे, यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे, लेकिन जब वो पूरी हकीकत सामने तो वो धड़ल्ले से गिरना चालू हुआ और शेयर होल्डर क्या हो गए, बर्बाद हो गए। सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर हो सकता है 2016 से लेके 2018 के बीच में वो चल रही थी, ठीक है इनकी, लेकिन वो पब्लिश बाहर नहीं आ रही थी वो न्यूज़, ठीक है, और जैसे ही बाहर आई तो आप देख सकते हो स्टॉक लगभग 50% गिर गया, मतलब शेयर होल्डर यहाँ पर भारी भरकम लॉस में बैठे हुए हैं। तो खैर एक उम्मीद की किरण जागी है, अब देखते हैं वो उम्मीद की किरण कितने दिन तक टिकती है, हो सकता है, ठीक है। तो नए ट्रेडर्स अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल दूरी बना के चलें, ठीक है। पुराने ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो छोटी मोटी क्वांटिटी, छोटी मोटी मतलब 10 20 50 शेयर के बीच में आप क्या कर सकते हो, अपना जो स्टेक है वो थोड़ा बढ़ा सकते हो, एवरेज मिला सकते हो। तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये न्यूज़ आगे अगर अच्छी खासी सक्सेस होती है, ठीक है, तो आपका जो भी पोजीशन है उसको एवरेज मिल के एक कोस्ट टू कोस्ट भी आप उससे एग्जिट हो सकते हो, तो यही हमारे लिए एक चांस है, या फिर बैठ के इस माहौल को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ को इग्नोर करिए, खाली ये अपडेशन था, ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आपके खुद के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जो हमारा ओपिनियन था, जो न्यूज़ था, वो हमने आप लोगों को अपडेट कर दिया है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये अपडेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से बेहतरीन अपडेट लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।